गढ़चिरौली पुलिस और माओवादियों के मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। टीसीओसी के विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की माओवादियों की कोशिश को गढ़चिरौली पुलिस दल ने विफल किया है। डिविजनल कमेटी मेंबर दर्जे के वरिष्ठ कैडर समेत एक कंपनी सदस्य और एक दलम सदस्य को मार गिराने में सफलता प्राप्त हुई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित किया गया था कुल 22 लाख रुपए का इनाम। घटनास्थल से 3 ऑटोमेटिव वेपन बरामद। इस मुठभेड़ से हुआ पेनबिली दलम के सभी सदस्यों का खात्मा। विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के इरादों से पेनबिली दलम के कुछ माओवादी तारीख 13 मई 2024 के सुबह भामरागढ़ तहसील के कतरंगगड्डा गांव के वन क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। ऐसी गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस अधीक्षक अभियान यतीश देशमुख के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस बल के विशेष अभियान पथक के 2 टुकड़ी को तत्काल उक्त वन क्षेत्र में माओवादी विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया। गढ़चिरौली माओवादी विरोधी अभियान करते समय वन क्षेत्र वन में घात लगाकर बैठे माओवादियों ने अचानक पुलिस जवानों पर जान से मारने और हथियार लूटने के इरादों से गोलीबारी शुरू की। तब पुलिस जवानों ने माओवादियों से हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण के लिए आह्वान किया, परंतु माओवादियों ने आत्मसमर्पण न करते हुए पुलिस जवानों पर जोरदार गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में माओवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पुलिस के जवानों ने जोरदार गोलीबारी की। पुलिस का बढ़ता दबाव देख माओवादी घने जंगल का लाभ उठाकर भाग गए। मुठभेड़ के बाद उक्त क्षेत्र में पुलिस जवानों ने तलाशी अभियान चलाया, जिसमें एक पुरुष और 2 महिला माओवादियों का शव बरामद किया गया। उक्त 3 मृतक माओवादियों की पहचान की पुष्टि हो गई है। वासु समर कोरचा गोड़िया पूर्व बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ डीवीसीएम पेनबिली दलम कमांडर खून 1 मुठभेड़ 5 और डकैती 1 ऐसे कुल मिलाकर 7 गंभीर प्रकार के अपराध में सीधे तौर पर शामिल था। सरकार ने उस पर कुल 16 लाख रुपयों का इनाम घोषित किया था। रेशमा मड़काम उम्र 25 साल बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ सदस्य निवासी कंपनी 10 हाल ही में पेनबिली दलम में जिम्मेदारी दी गई थी। खून 1 मुठभेड़ 5 ऐसे कुल मिलाकर 6 गंभीर प्रकार के अपराध में सीधे तौर पर शामिल थी। सरकार ने उस पर कुल 4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कमला मड़ावी उम्र 24 साल दक्षिण बस्तर एरिया छत्तीसगढ़ निवासी पेनबिली दलम खून 2 मुठभेड़ 5 ऐसे कुल मिलाकर 7 गंभीर प्रकार के अपराध में सीधे तौर पर शामिल थी। सरकार ने उस पर कुल 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। साथ ही घटनास्थल से एक AK-47, एक कार्बाइन, एक इंसास राइफल और अन्य स्फोटक सामग्री के साथ माओवादी साहित्य बड़े पैमाने पर बरामद करने में पुलिस बल को सफलता हासिल हुई है। गढ़चिरौली पुलिस के इस शौर्यपूर्ण कार्य को विशेष पुलिस महानिरीक्षक नक्सल विरोधी अभियान नागपुर संदीप पाटिल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़चिरौली परिक्षेत्र अंकित गोयल, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यतीश देशमुख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशासन कुमार चिंता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अहेरी एम रमेश और पुलिस उप अधीक्षक विशाल नागरकोजे, इनके मार्गदर्शन में C-60 के जवानों ने पूरा किया है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने सभी C-60 जवानों की प्रशंसा की है और साथ ही माओवादी विरोधी अभियान को तेज करने का संकेत दिया है और साथ ही साथ माओवादियों से आग्रह किया है कि वे माओवादियों के हिंसक रास्ते को छोड़कर स्वाभिमान के साथ जीवन व्यतीत करें। 13 मई 2024 को सुबह 9 बजे के आसपास गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी, जिसमें कतरंगगट्टा गांव जो भामरागढ़ तालुका में आता है और नारगोंडा पुलिस स्टेशन के हद में आता है, उधर पेनबिली दलम के कुछ वरिष्ठ माओवादी काडर गांव वालों से कुछ मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़ी घातपात की योजना करने की योजना बना रहे हैं। उस अनुसार अपर पुलिस अधीक्षक अभियान श्री यतीश देशमुख इनके नेतृत्व में 2 C-60 की पार्टीज को रवाना किया गया और जब वो दोपहर में उस एरिया में एरिया सर्च ऑपरेशंस कर रही थी तो माओवादियों ने उनके ऊपर हथियार लूटने के उद्देश्य से और उनको मारने के उद्देश्य से भारी प्रमाण में गोलीबारी शुरू की। उसका प्रत्युत्तर देते हुए जब C-60 ने उसका स्ट्रॉन्ग प्रत्युत्तर दिया तो घने जंगल का फायदा लेते हुए कुछ माओवादी वहाँ से फरार हो गए और एरिया सर्च में हमें 3 माओवादियों के मृतदेह वहाँ पर मिले, जिसमें एक पुरुष माओवादी जिसका नाम वासु उर्फ समर कोरचा है, बस्तर एरिया का रहने वाला, वो कमांडर और इंचार्ज पेनबिली दलम का था और डिविजनल कमेटी मेंबर था पेनबिली दलम का, और उसमें उसके ऊपर 16 लाख की बख्शीश महाराष्ट्र शासन ने जाहिर की थी। 2 महिला माओवादी जिनके मृतदेह हमें मिले हैं उनका नाम रेशमा मड़काम है 25 वर्ष, ये भी बस्तर एरिया की रहने वाली है, और कमला मड़ावी 24 वर्ष, ये भी दक्षिण बस्तर की रहने वाली है। इन सभी के ऊपर 7 से 8 गंभीर गुने जिसमें खून और चकमक और डकैती जैसे गुने हैं गढ़चिरौली पुलिस के अभिलेख पर उनके ऊपर ऑलरेडी दाखिल थे। इन तीनों को मिलाकर के महाराष्ट्र शासन ने कुल 22 लाख रुपए की बख्शीश इनके ऊपर जाहिर की थी। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3
और स्वचालित ऑटोमेटिक हथियार हमें मिले हैं, जिसमें एक AK-47, एक कार्बाइन और एक इंसास राइफल हमें मिली है। भारी प्रमाण में हमें रोक रकम और दारू घोड़ा विस्फोटक साहित्य और नक्सल लिटरेचर की भी जब्ती हुई है, और उस एरिया में अभी भी हमारी C-60 की पतक नक्सल विरोधी अभियान अभी चला रही है। NBC न्यूज़ के लिए गढ़चिरौली से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।